हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीबी न्यूज़ 100। महेंद्र प्रताप है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनका जोश और स्वागत बम पटाखों के साथ लड़ियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये देखिएगा अच्छी खासी यहाँ स्वागत जिस तरीके से किया जा रहा है, ये जिस तरीके से ये फुमारा जिस तरीके से अच्छा खासा बम पटाखों के साथ कोशिश करते हैं। महेंद्र प्रताप यहाँ पहुंचे हैं, आप सीधा सीधा कहें कि आपका दादू है एनआईटी में। महेंद्र प्रताप पहुंचे तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हालात यहाँ बने हैं और किस तरीके से चुनाव को देखते हैं। अरे भैया पहली लगा दिया, हटना भाई जी, भाई से हट जाओगे, थोड़ा सा हट जाओ जी, भाई जी उठाता है वो, ये समझ लीजिए वो निराशा में उठा रहा है। बदकिस्मती है कि इस प्रकार के समाज की व्यक्ति में कमी हो सकती है। समाज को अपमानित करना इस तरह से एक जिम्मेदार व्यक्ति है, मुझे उसको ज्यादा नहीं कहना चाहिए। उसे एक पद किया जिम्मेदारी का, देखा जाए तो पार्टी का भी अपमान। एक और थी भैया, इधर रोक करे पॉल्यूशन फैलता है, क्यों करते हो रोक? अच्छा जी, कुछ देर पहले एक और टिप्पणी की थी जब टिकटॉक का चल रहा था, समाज के लिए जी नहीं थी ना जी, उन्होंने कहा कि अरे इनका लालाओं का काम तो तराजू बांटों का है, ये क्या राजनीति में वोट मांगेंगे। देखिए व्यक्ति विशेष के लिए तो कुछ कह लो जी, समाज के लिए अपमान वो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा अपराध है जी। इसलिए इनकी जो है बुद्धि खराब हो रही है और उसका एक खमियाजा भुगतेंगे। ये लोग, ये समाज उनको एक भरपूर वोट चोट देगा और इनको हराएगा। मोदी, एक सवाल आखिरी, अभी तक मोदी जी का जलवा पूरे देश में देखने को मिल रहा था? नहीं है। अभी जो है आप नहीं, महेंद्र प्रताप जी जो आए हैं, जब से उम्मीदवार बनकर कांग्रेस प्रत्याशी बनकर हर जगह महेंद्र प्रताप और विजय प्रताप के नारे लग रहे हैं, तो ये आपका जलवा? सुनो, हम गुरु को मानने वाले आदमी हैं, हम सिरानपुर को मानते हैं, हमारे लिए वही भगवान है, ये सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। रहा मोदी जी का जलवा देश में, वो नहीं है, खत्म हो चुका। 10 साल में सारे समझ लिया ये तो झूठ की खेती बोते हैं और झूठ की पकाते हैं, झूठ ही खिलाते हैं, तो लोगों को हो गया है। अब सारी चीजों को अगर देखोगे 10 वर्ष में, एक वादा बता दो, एक पूरा किया जी, बिल्कुल सकता हूँ, एक जो कहा है वही होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जी, करते हैं कि अपनी जमानत जब्त करने के लिए आप तैयारी करें, वो इन्होंने ये सीधा प्रकार किया है, क्या कह रहे? उन्होंने कहा कि चुनाव का दौर, अपनी जमानत जब्त करने के लिए महेंद्र प्रताप जी तैयारी करें। देखो अब फिर वही, कितना मूर्खतापूर्ण बयान है, फिर वही अहंकार का बयान है। कृष्ण पाल जी से भी पूछिए, तुझको उस आदमी ने 63,600 से हरा रखा है, ये ध्यान करना। महेंद्र प्रताप के आते ही उसे अपनी फिक्र लग गई है, ये जुमले फेंक रहे हैं कि आज क्या होगा, जनता उसको यहाँ से हटा रही है और हरा रही है, आप देखते रहना। वो कहते हैं मैं कहता हूँ मोदी के नाम से वोट मांगता हूँ। मोदी के नाम से वोट मांगता हूँ, पहले सुनिए, मोदी का अव्वल तो जो था दो बार चल गया, पिछली बार था पुलवामा का एक राष्ट्रव्यापी असर और था, आज उसके विरुद्ध जनता पता लग गई है क्या है। एक बात, दूसरी बात, तुम्हें शर्म नहीं आती मोदी के नाम की खाओगे, नाम मोदी के लोगे पेट अपना भरोगे? दुनिया भर की जायदादें हड़प ली, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, सबको खा गए मोदी के नाम को खा, तो अपने नाम क्या है तुम्हारा, अपना चेहरा क्या है तुम्हारा, तो अपना चरित्र क्या है, उस पर वोट मांगो? ये तो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, अकेला के नाम से दे दो जी और फिर हम खाएंगे। आप
तो देखिएगा जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार प्रेस के बंधुओं से खासतौर पर अनुरोध है
कि थोड़ा मंच के आगे ना खड़े होकर साइड में कहीं से भी आप कवरेज कर लें, आपसे हाथ जोड़ के रहूंगा प्लीज भैया। देखिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, कृपया करके एक मेरा आपसे अनुरोध है, अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, व्यवस्था को सुचारू रूप से बुलाए रखे। मैं अब आगे करूंगा, आगे की आगे की व्यवस्था को मनीष पाटिल जी आप आए और भरत वर्मा जी आप दोनों के हवाले में कैसा तो देखिएगा मंदिर में मत्था टेककर से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं महेंद्र प्रताप। देखिए यहाँ पर मंदिर में मत्था टेका है और मंदिर में मत्था टेककर आज स्वागत किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं, मोदी ने एक ब्लॉक है मोबाइल है कि एक में एक ब्लॉक पर पहुंचे सरकार के द्वारा। किस तरीके से लोगों की भीड़ है, लोगों का जो जमावड़ा है वो अपने आप यहाँ पर इकट्ठा होकर उनका स्वागत कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे जरूर। आप देख रहे थे सिटी में, नमस्कार। गुलाब के फूल छह गुलाब का फूल छह का स्वागत किया जा रहा है बम पटाखों के साथ। आपको बता दूं बहुत सारी चीजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ लगातार उनका स्वागत किया गया। तमाम देखिएगा जिस तरीके स्वागत है और फूल फूल माला के साथ साथ बना के यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। तो देखिए तमाम देखिए साथ में मौजूद है उम्मीदवार है आपको बता दो महेंद्र प्रताप। देखिए लगातार दोनों दिग्गज में इस पर लड़ाई है, दोनों दिग्गज में इस पर कांग्रेस का वोट की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार है कृष्ण पाल गुर्जर है और साथ में किसी बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दी है। महेंद्र प्रताप है ये भी पूर्व मंत्री है, आपको बता दूँ गतवाद के पांच साल काम कर चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, हरियाणा के मंत्री भी रह चुके हैं। तो देखिए जिस तरीके से